रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यूरोप में हाई एक्यूरेसी न्यूक्लियर वेपन तैनात अमेरिका की तरफ से किए जाएंगे। दिसंबर तक 5 यूरोपीय देशों में अमेरिकी बम की तैनाती हो जाएगी। नेटो देशों में न्यूक्लियर वेपन स्टोर करेगा अमेरिका। अब ये कौन बोल रहा है? पॉलिटिको रिपोर्ट में दरअसल इस बात का दावा किया गया है। तो आप देखिए किस तरह से एक तरफ पुतिन ये बोलते नजर आ रहे हैं कि फिलहाल वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाइटर नोट पर ये बोलते हैं कि हाँ वो सोच रहे इस बारे में। यही वजह तो है कि व्लादिमीर पुतिन को अनप्रेडिक्टेबल का जो टैग है वो दिया गया, वो क्या करने वाले किसी कुछ नहीं पता है। इधर यूरोप में न्यूक्लियर वॉर की जो आहट है वो कैसे साफ दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है, आप इसको समझिए ग्राफिक्स के जरिए। यूरोपीय देशों में थर्मो न्यूक्लियर बम की तैनाती, B61-12 परमाणु बम की हो सकती है तैनाती। दिसंबर तक 5 यूरोपीय देशों में B61-12 की तैनाती की जाएगी। और कहां कहां पर इन न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात किया जा सकते हैं, उन कंट्रीज के नाम आपके सामने। पहला नाम, अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो पॉलिटिको की रिपोर्ट बता रही है, बेल्जियम, दूसरा नाम नीदरलैंड्स, तीसरा नाम इटली, चौथा नाम जर्मनी और पांचवा नाम तुर्की है। ये वो नाम है जहां पर तैनाती होगी अमेरिका की। बहुत बड़ी तैयारी तो होने क्या वाला है, ये पूरी दुनिया बहुत कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल करुणा, दुनिया देख रही है कि आखिरकार होने क्या जा रहा। अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और अमेरिका जिस तरह से तैयारी कर रहा है, ये इशारा तो ये कर रहा है कि कुछ बड़ा पक रहा है। लेकिन वो क्या होगा? B-61 और 12 न्यूक्लियर बम जो है, जो अमेरिका जिसका दम भरता है, उसकी तैनाती आखिरकार किस तरफ इशारा कर रही है? ये बम क्या है, इसको अपग्रेडेड वर्जन कैसे आया हुआ है, इसको कैसे प्लांट किया जाना है और इसका इंपैक्ट दुनिया पर कैसे पड़ेगा, वो आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको समझाते चले, B-61-12 न्यूक्लियर बम होता क्या है जिसका अमेरिका दम भर रहा है। B-61 परमाणु बम का अपग्रेडेड वर्जन है जो 5 देशों में तैनात करने का प्लान है। एयर लॉन्च न्यूक्लियर ग्रेविटी ये बम होता है जिसके जरिए अमेरिका अपनी ताकत गाहे बगाहे दिखाता रहता है। अमेरिकी विमान B-2A, F-15E और F-35 से इसका लॉन्च मुमकिन है। F-16CD, F-16MLU और PA-200 पर इसकी तैनाती की तैयारी चल रही है। 324 किलो वजन का B-61-12 ये बम बेहद घातक है और माना जा रहा है इसकी तैनाती से रशिया को डराने की कोशिश में है अमेरिका। और साथ साथ आपको बताते चले कि जो अब दुनिया में हो रहा है आखिरकार वो आहट बताता है कि WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया बढ़ रही है। कैप्टन सर, डीके पांडे सर, मैं यही जानना चाहता हूं कि इसकी तैनाती को आप कैसे देखते हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या यह प्रोपेगेंडा वॉर का ही हिस्सा है या वाकई में जिसकी बात पुतिन कर रहे थे उसके बाद अमेरिका अलर्ट है और अमेरिका को यह लगता है कि ऐसा संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ और न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है रूस। देखिए, दोनों ही पार्टियां जो हैं वो तैयारी कर रही हैं न्यूक्लियर हमले का, लेकिन जैसा कि ये अभी विवादों में ही रहा है कि हमला होगा नहीं होगा और एक माहौल प्रोपेगेंडा की तरह चलता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से डिप्लॉयमेंट हुआ है पिछले 15 दिनों में, अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज जो हैं डिप्लॉय हुए हैं पोलैंड में और जर्मनी में और बाकी पड़ोसी देशों में, उसके पीछे और अब B-62 की बात जो आई है सामने, ये निश्चित रूप से बताता है कि अमेरिका और नाटो देश जो हैं वो किसी भी ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब अगर न्यूक्लियर आर्म्स का यूज़ होता है रशिया द्वारा तो उसका प्रत्युत्तर दे सकें। लेकिन साथ में जो डिप्लॉयमेंट के ये 6 देश और 7 देशों का अभी सूची आप लोगों ने बताई है, तो ये भी साथ में इनके लिए भी एक खतरा होता है कि इनके प्रत्युत्तर के में रशिया भी देशों पर अटैक कर सकता है। और पांडे सर, सवाल ये भी है कि देखिए पुतिन एक तरफ बोलते हैं 2 दिन पहले दिए साक्षात्कार में इंटरव्यू में कि उनका न्यूक्लियर अटैक का कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसी जानकारी अब वेस्टर्न मीडिया के पास या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के पास है जिसके बाद वो अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रांग कर रहे हैं तैनातियों के जरिए? अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।